हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम था, 20 तारीख की शायद ये दिन थी, और बस आज के दिन पे मैंने 3 व्लॉग निकाल लिए थे। तो क्योंकि मुझे पता था कुछ अगले कुछ दिनों में थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन रहने वाली है, तो 2-3 दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, तो आज मैंने 2 से 3 व्लॉग कर लिए थे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है पास्ता भी बना लिया। ईलू ट्यूशन जाने वाली थी तो उसके लिए साथ ही में आए थे, तो गुलाब जामुन लेके आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। कुछ अच्छा हुआ था तो उसके लिए उन्होंने कहा कि छोटा सा भी कुछ अच्छा होता है ना, तो ये प्रसाद थोड़ा सा भगवान के लिए ले आते हैं। तो बस चढ़ा दिया था और फिर चाय पास्ता गुलाब जामुन जो है वो खा लिए थे दोपहर में। और बस फिर ये टेबल रखी थी, तो आज मुझे इसका मेकओवर करना था, तो पहले मैं इसका मेकओवर करूँगी, फिर खाना वाना आज मैं बना लूँगी। क्योंकि ये इलू की टेबल है, जो स्टडी टेबल और चेयर का एक सेट आया करता था ना पहले, तो ये कोई 10 से 1 साल पुरानी होगी, ऐसी मैंने अथक को भी दी थी। तो ये उस टाइम पर 500-550 का सेट आया करता था या 450 का। तो मैंने सोचा था चलो इसका मेकओवर कर लेते हैं, कलर भी रखा है, वॉलपेपर भी रखा है, तो वॉलपेपर से ही मैं इसका करूँगी मेकओवर। कैसे करूँगी आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात क्लियर करनी है। सबसे पहले ना मैं ये सब कुछ दिखाने से पहले बताने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। देखो देखो, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, कई लोग मुझे देखते हैं, कुछ लोग मेरे जो दिवाली के कुछ टाइटल्स जाएंगे या दिवाली के कुछ भी मैं करूंगी तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि देखो, कई लोग सोचेंगे कि इसकी सिस्टर के साथ ये हुआ है और ये दिवाली मना रही है या ये या वो, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं दिल से कोई दिवाली नहीं मना रही हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ भी करूँगी, देखो कुछ मैं चीज़ें बना रही हूँ या कुछ, तो मैं आप लोगों को आइडियाज़ देने के लिए बना रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियोज़ भी बनानी होती है मुझे, ये मेरा काम भी है, तो मुझे ये काम करना पड़ता है, इसी से मैं अर्न करती हूँ, ठीक है। और दूसरा, इस घर का शगुन, हर शगुन मुझे करना होगा, हर घर का अपना शगुन होता है, तो मुझे शगुन के दिए भी जलाने पड़ेंगे, तो पूजा भी करनी पड़ेगी, तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस घर का शगुन मैं नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरी बच्ची मुझसे कहेगी पटाखे के लिए, तो वो भी मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की तो बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, बच्चों की लाइफ स्टार्ट हुई है, उनके त्योहारों को हम नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खुश दिखना भी पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ सब कुछ करना भी पड़ेगा। दिल से मैं बिल्कुल भी खुशी नहीं मना सकती, खुशी है ही नहीं, तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। घर को अगर मैं थोड़ा बहुत सजाऊंगी, तो मैं लक्ष्मी जी के, साल भर का त्यौहार है, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए मैं ये करूंगी। और मैंने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा, सबसे बड़ी चीज़ें सीखी कि आज इंसान है तो अगले ही पल वो नहीं भी हो सकता है। ये वीडियो मैं दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं रोक दी थी, और मैं रोक के आप लोगों के सामने आना नहीं चाहती, इसलिए। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ उससे मैंने ये सीखा कि आज मैं हूँ तो अगले ही पल में नहीं भी हो सकती हूँ। पिछले साल में मेरी मम्मी के घर गई थी दिवाली पे, मम्मी पापा के लिए, कि एक दिवाली जीवन की एक और दिवाली मैं मम्मी पापा के साथ मना लूँ, तो सबके साथ हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, एक इतना जवान बंदा हमारे घर का एकदम से 5 मिनट के अंदर छोड़ के चला जाएगा, तो ये नहीं पता था मुझे। तो पिछली दिवाली अगर सबने साथ में थोड़ा बहुत किया, तो मुझे ये तसल्ली है कि हाँ, हमने उनके साथ दिवाली मनाई, और आज वो नहीं है, उसका गम बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल कंट्रोल करके मैं वीडियोस में आती हूँ, मैं जरा भी एक भी आंसू नहीं बहाना चाहती हूँ। तो मैंने ये सीख ली है कि अगले ही पल बंदा नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज जिस इस दिवाली पे जो बंदा होगा, तो अगली दिवाली पे वो बंदा हमारे साथ होगा भी कि नहीं, तो ये सब कुछ सोच के, ये सब कुछ जीवन में आगे बढ़ना पड़ रहा है। ऐसा दिल में कोई खुशी नहीं होगी, सोशल मीडिया पे वो कोई सोच ले ये चीज़, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ, है ना। तो मुझे शगुन का सब कुछ करना पड़ेगा, प्लस मेरा ये काम है, तो वो उसके लिए भी मैं ये सब कुछ करती हूँ, कुछ बना रही हूँ, कुछ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, तो ये मेरा काम है, ये मुझे देना पड़ेगा। जो जो चीज़ आएगी ना, जैसे नवरात्रि आ रही तो नवरात्रि की वीडियोज़ मुझे बनानी है, दिवाली आ रही तो दिवाली की वीडियोज़ मुझे बनानी होती है, तो कंटेंट भी होता है, कंटेंट भी कोई चीज़ होती है, तो ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। प्लस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए भी मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, और जीवन में आगे तो देखो बढ़ना ही है। तो अगली दिवाली का मुझे नहीं पता, अगले पल का ही नहीं पता, अभी तो ये दिवाली भी नहीं आई है, इस दिवाली का भी नहीं पता, क्योंकि हमने तो यही सीख लिया कि जीवन में अगले ही पल कुछ हो जाएगा,
कुछ नहीं इंसान कर सकता, सब कुछ भगवान के हाथ में है। जिस दिन भगवान बुलाएगा उस दिन जाना पड़ जाएगा, जरूरी में जाना पड़ जाएगा, जाकर भी नहीं रुक पाएंगे। तो जो दिन है, जो पल है, उसे जी लो, मनाना पड़ेगा। अगली दिवाली किसी का कुछ पता नहीं है। तो बहुत से माइंड में एक डर बैठा हुआ है, एक एक दिन को, एक एक पल को लेकर। ये बात है, माइंड बिल्कुल पलट चुका है। जख्मों में कब मिट्टी पड़ेगी, कब घाव भरेंगे, मैं नहीं कह सकती, लेकिन इन जख्मों के साथ भी स्ट्रांग होके आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना पड़ेगा, यही लाइफ है। इसलिए तो कोई भी अदरवाइज मत लेना। तो चलिए, मुझे जो बोलना था, बताना था, क्लियर करना था, वो तो कर लिया। तो बस अब इस टेबल को ना मैंने अंदर से निकाला है, ठीक है, अलमारी में रखी हुई थी। पिछले साल भी मैंने सोचा था इसका मेकओवर करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई थी, तो मैंने गीले सूखे कपड़े से इसे साफ कर दिया है। मेरे पास ये वॉलपेपर पिछले साल का ही रखा है, और ये कलर है, कलर की जो बिल्कुल छोटी डब्बी है, ऑयल पेंट है ये, दरवाजों और में करते हैं, तो ये 35-35 रुपये की आती है, बहुत सस्ते में आती है। इससे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, 3-4 चीज़ें आपकी कलर हो जाती हैं। आप जो है अपने गमलों वगैरह को भी पेंट कर सकते हो, जो अभी मैं करवा चौथ की थाली वगैरह करूँगी, तो वो भी सिर्फ 35 रुपये में मैं लेके आई हूँ, 35-35 की, तो ऐसे कर लेंगे। तो फिर बस इसको मैंने नाप लिया था इस टेबल का, और ये वॉलपेपर को कट कर लिया था, और बस ये इजीली जो है ना वो चिपक जाता है, वरना इसको कलर करके भी मैं कर सकती थी, लेकिन वॉलपेपर रखा था तो मैंने कहा ज़्यादा मेहनत क्यों करनी, बिल्कुल कम मेहनत में, बिल्कुल कम दाम में पुरानी चीज़ों का ना मेकओवर हो सकता है। दिवाली पे ऐसे करें ना तो काफ़ी पैसा बच सकता है, कई तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो यहाँ पे। तो बिल्कुल ईजीली मैंने ये किया है, लेकिन आप बहुत तरीके से, अगर आपको शौक़ है, अगर आपको कुछ आता है पेंटिंग्स वगैरह, तो आप पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं कलर करके। और अगर आपके पास वैसा वॉलपेपर हो, वॉलपेपर की लिंक देखो मैंने पिछली वीडियोस में दे दिए हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस वाले जितने भी वॉलपेपर हैं ना, उन सभी की मैंने लिंक दे दी है, वॉल स्टिकर की भी दे दी है। पिछले ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लेना, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आप लोगों की सहूलियत के लिए दी है। तो ये देखिए, ये मैंने चिपका दी। अब ये नीले, इस पे जो पैर हैं इसके नीले अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे पास तो अभी वाइट कलर ही था ऑयल पेंट, इसमें मैंने कोई तारपेन का तेल और नहीं मिलाया है, गाढ़ा गाढ़ा ही करूँगी, क्योंकि डार्क कलर हो रखा है ना इसमें ब्लू, तो उसको छुपाने के लिए इसमें 2 कोट तो फिर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं वाइट कर रही हूँ इसको। अगर कोई डार्क कलर होता तो फिर भी 1 कोट चल जाता, लेकिन एक इस पर चलेगा नहीं, तो 1 कोट करके मुझे किचन में जाके खाना भी बनाना था, तो बस ये 1 कोट करूँगी, गाढ़ा गाढ़ा ही कर रही हूँ। और फिर ना जब थोड़ा बहुत ये सूख जाएगा, पंखा चला के रख दूँगी इसको, और थोड़ा लेट नाइट क्या करूँगी कि इसके पे डबल कोट कर देंगे। तो अभी और भी वीडियोस आएंगी, जैसे कि थाली के थाल करवा चौथ की थाली, और जो करवा है या जो छलनी है उसको डेकोरेट भी करूँगी, लेकिन एक बार ये श्राद्ध पक्ष निकल जाए, स्थापना आते ही वो बता दूंगी। तो मैंने कलर तो कर ली थी, लेकिन मेरे पास तो वो पुरानी मंदिर की थाली थी पूजा की, तो वो ख़राब हो गई थी, तो उसको धो धो के मैंने कलर तो कर लिया आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डेकोरेट उसको मैं थोड़े से नए दिनों में ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और खाना बनाने वाली थी, नेक्स्ट डे एकादशी थी तो व्रत था हमारा, और 1-2 दिन पहले इन्होंने कोई इच्छा जाहिर की थी मुझसे कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और गर्म गर्म पूड़ियाँ जो है ना वो मुझे खानी है। तो उस टाइम तो संडे के दिन बोला था इन्होंने, तो उस टाइम तो हमारे पास रखा था कुछ, तो वो शाम के टाइम पे हमने वो खा लिया था। तो फिर ना मैंने कहा आज इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो जो ये लोग मुझे फरमाइशें करते हैं, तो मेरे माइंड में वो चलता रहता है कि ये इन्होंने बोला हुआ, ये इलू ने बोला हुआ, ये किसी ने बोला, ये किसी ने बोला है, तो वो माइंड में चलता रहता है। तो जैसे जैसे याद आता रहता है वैसे वैसे पूरा करती रहती हूँ। तो बस आटा लगाया, क्योंकि गरम गरम इन्होंने बोला था, तो पूड़ियाँ तो फिर मैं गरम ही खिलाऊंगी इनको, और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है ना बना ली थी, साथ में दही वही जो जमाना था वो सारा काम भी कर लिया था। तो वो टेबल वाला भी होता जा रहा है, साथ साथ में ये भी होता जा रहा है। बस ये जैसे ही कंप्लीट होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता ही है कि भाई मैंने सारा घर का बता दिया था, वॉलपेपर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं बिल्कुल कम दाम में, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक दिन में मैंने शायद 2 या 3 वीडियो आज के दिन निकाली थी, तो वो आप लोगों तक 2 तो शायद आ चुकी हैं, और ये तीसरी है। तो इस तरीके से जो है कि काम करती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, ये सारा काम भी कर लेती हूँ, एक दिन में 2 से 3 वीडियोस भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि पेट सा दर्द हो रहा था मुझे, तो मुझे लग रहा था कि मैं अगले 2-3 दिन वीडियोस मुझसे नहीं बनेगी, तो फिर मैंने यहाँ पे ये काम जो है ना 2-3 वीडियो कर ली, तो अगला काफ़ी दिनों तक का काम हो गया। तो यहाँ पे खाना बन गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी थाली को कलर करने के लिए, तो थाली पे कलर तो मैंने कर दिया है,
बट अभी इसको डेकोरेटेड, ये मेरी पुरानी पूजा की थाली है जो कि बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो उसको मैंने धो करके साफ़ करके और बस कलर कर लिया है। बाकी करवा चौथ वाली मेरी बड़ी वाली है, उसे मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। एक बार मैंने कलर कर लिया क्योंकि जो ऑयल पेंट करते हैं ना तो फिर वो सूखता बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ पर मैंने लेट नाइट जो है ना ये भी कर लिया था, डबल कोट भी कर दिया था टेबल के पैर पर। और ये देखिए फाइनल लुक आपका दिखा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो उस पहले वाला और अब वाले में काफ़ी फ़र्क है, तो साइड में कैसे भी रख दो, बाहर भी काम आ जाती है, चाय वाय पीते हैं तो, या साइड पे कुछ डेकोरेट कर रहे हो आप और साइड पे आपको कुछ रखना है सजाना है तो भी आप इसे यूज़ दे सकते हो। तो पुरानी घर की जितनी भी चीज़ें ना उसका आप मेकओवर कर सकते हो बहुत कम दाम में, बहुत सस्ते में। और मैं प्राइस तो बता ही देती हूँ जो कुछ भी लाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लगने लग गई ये टेबल। तो बिल्कुल कम मेहनत में, बिल्कुल कम दाम में घर की जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसका आप मेकओवर कर दीजिए, नई बन जाएंगी, नई लानी भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो कई प्रिंट के वॉलपेपर आते हैं और लकड़ी वाला प्रिंट का भी आता है, वो भी आप लगा सकते हो, तो बिल्कुल वैसी ही लगेगी टेबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।